मैं मनोज निषाद अयोध्या वाले आप सभी का अपने न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा में विश्वास करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दोस्तों एक खास जगह पे अभी पहुंच चुका हूं। आप जो अयोध्या के रहने वाले हैं प्रॉपर उज्जैन गए होंगे। हम कहां पे पहुंचे हैं आप हमारे वीडियो में आप सभी को हम बता दें, नवाब शुजाउद्दौला का एक मकबरा है, मकबरा गुलाब बाड़ी, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप सभी को एक लोकेशन की बात कर लें तो हम इस साइड से अगर आते हैं तो आप घंटाघर चौक से आते हैं, और इस साइड से आते हैं तो राम जन्मभूमि हो जाएगा। और ये देखिए कितनी पुराने इमारतें हैं, मरम्मत ना होने के कारण कितनी जर्जर हो गई है। और हम आप सभी को अब प्रवेश करते हैं यहाँ पे, और यहाँ कुछ शर्तें हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। हम प्रवेश करते हैं अभी अंदर। अयोध्या राजधानी कहे जाने वाली अपने आप में एक खूबसूरत और विख्यात है। वर्तमान में अयोध्या कहे जाने वाले इस अयोध्या का ऐसे तमाम इमारतें हैं और गुलाब बाड़ी है जो इन्होंने बनवाया है अवध के तीसरे नवाब थे। और ये अशोक स्तंभ जो देख रहे हैं, पहला एक ऐसा अशोक स्तंभ है जो ये किसी इमारत के अंदर स्थित है, और ऐसा कहीं नहीं है। राम जन्मभूमि के लेके ये अयोध्या और फैजाबाद, जो फैजाबाद है पूरे देशों में विख्यात हो गया है। और ये देखो कितनी पुराने इमारतें हैं, और ये देखिए अभी मरम्मत ना होने के कारण थोड़ा जर्जर हो गया है। यहाँ आप देख पाते होंगे ये एक केंद्र का स्थल बन चुका है इस समय। और गुलाब बाड़ी, गुलाबों का बगीचा कहे जाने वाले अपने आप में एक विख्यात है। कितना खूबसूरत यहाँ पौधे भी लगे हुए हैं, हम आप सभी को दिखाएंगे। ये इसका गेट है, और गेट खुला हुआ है, और नहीं बंद होता तो उधर से भी जा सकते हैं। और गेट में कितने मोटे मोटे कील जैसे लगे हैं ताकि कोई हमला हो तो वो दिक्कत हो गाड़ी वगैरह से, तो ना जा पाए, प्रवेश ना कर पाए। हम प्रवेश कर चुके हैं इस समय। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसका काम भी हो रहा है ताकि सुंदर दिखे। हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इसकी खूबसूरती का एक राज बताएंगे आप सभी को, ये क्यों यहाँ बना है और क्यों बनवाया गया है। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद। अवध के तीसरे नवाब नजाउज, ये गुलाब बाड़ी क्यों बनवाया गया है। नवाब शुजाउद्दौला ने अपने माँ की कब्र यहाँ पे, पहली बार कब्र उनकी यहाँ बनी थी, और दूसरी जो कब्र उनकी माँ की बनी है वो दिल्ली में बनी हुई है, दिल्ली में दफनाई गई है, इसलिए यहाँ गुलाब बाड़ी बनवाया। अपने जीते जी ये गुलाब बाड़ी को उन्होंने बनवा लिया था। ये गुलाब बाड़ी बनवाने के बाद उनकी थोड़ी ही दिनों में मृत्यु हो गई थी। तो आप सभी को लेके चलते हैं मित्रों जहाँ पे ये कब्र है, ऐसे तो बंद है फिर भी आप सभी को दूर से बताएंगे, दिखाएंगे कहाँ पे है। तो मित्रों बता दें ये है जहाँ पे लोक लगा है नवाब शुजाउद्दौला की माँ की समाधि, यहाँ पे उनको दफनाया गया था। देख लीजिए अभी और भी एक गेट लगा है, वहाँ भी ताला लगा है, और वहाँ पे आप अगर देख पाते होंगे वहाँ पे है। जब से ये गुलाब बाड़ी बना हुआ है तभी से दूर दरार लोगों के लिए और आकर्षित का केंद्र बना हुआ है इस समय, और उस समय भी पर्यटक हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ का आनंद लेते रहते हैं। और लोकल जो हैं वो अगर किसी को वेट करना हुआ तो यहाँ आके थोड़ा देर आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसके बाद जाते हैं अपने काम करते हैं, वापस घर चले जाते हैं। जो दूर से आते हैं
वो पर्यटक के हिसाब से घूमते हैं और चले जाते हैं। ये इसकी बाउंड्री है जो आप देख रहे हैं, ये इसकी बाउंड्री लगी हुई है। और देखिए अभी तो बहुत ही पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई, इसके लिए उतनी खूबसूरत नहीं लग रही है, नहीं तो ये अपने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। ये आप जो देख रहे हैं बैक साइड है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो जहाँ पानी है, यहाँ जो जल है, देखो इसमें भी वो उसका एक परछाई पड़ रहा है। ये देख सकते हैं उसकी परछाई किस तरह से पड़ रहा है। और मैं ये बैक साइड से दिखा रहा हूँ, पूर्वी साइड से आप सभी को दिखा रहे हैं। अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो पूरब का मुंह करके और आएंगे पश्चिम साइड से, और ये मैं पूर्वी से दिखा रहे हैं। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। और ये बहुत दूरों में फैला हुआ है, और यहाँ बड़े भी पेड़ हैं और छोटे भी हैं। सन 1775 में नजरदौला के ख़त्म होने के बाद मित्रों उनके बेटे आसिफ उद्दौला ने राजकाज संवारा और उन्होंने लखनऊ चले गए। लखनऊ के बाद उन्होंने राजधानी बना ली। और सन 1875 में गदर हुआ और इनका राज पाट सब मिट गया। फिर भी आज भी इनकी खिस्से विख्यात हैं। जिस तरह ये गुलाबबाड़ी का जो दृश्य है वो एक ही तरफ एक ही जैसा दिखता है चारों तरफ से। तो दोस्तों आप सभी को हम गुलाबबाड़ी की वीडियो दिखाया, और ऐसी वीडियो हम हमेशा आप सभी को लेके आते रहते हैं, धार्मिक और अच्छी अच्छी वीडियो और अयोध्या से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।